और धूल मिट्टी भी उड़ रही है, जिसके कारण हम गाड़ी को अपनी ज्यादा स्पीड में कैसे ना चलाएं, सुरक्षित कैसे रहें, क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, गाड़ी स्पीड हमारी कितनी हो, गाड़ी हमारी हिले ना, नहीं दिख रहा है सामने गाड़ी चलाते समय तो हमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी सामने से आ रही है, उस कंडीशन में गाड़ी को हमें कैसे ड्राइव करनी है, कैसे चलानी है, क्योंकि सामने से बहुत ज्यादा हवा तेज चल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी के ड्राइवर आप सभी लोगों को और इन वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और उस समय अचानक क्या होता है कि बहुत तेज से हवाएं चलने लगे, या मान लीजिए कि आंधी या तूफान आ जाए, तो उस कंडीशन में आप गाड़ी कैसे चलाओगे, आप क्या वहां पे अपनाओगे, क्या सिचुएशन रखोगे, गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उस समय गाड़ी आपकी जब हाईवे चलाते हैं हवा बहुत तेज चलती है या तूफान या आंधी आ जाती है तो गाड़ी हिलती रहती है, या सपोज करिए आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि आगे से बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह उड़ने लगता है, तो हमें गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है जिसके कारण हमें आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको उस कंडीशन में गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे ड्राइव करनी है और सही से कैसे मैनेज करना है। तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरी वीडियो वॉच जरूर आप देखना जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सपोज करिए गैस कि आंधी तूफान वगैरह आ गया है, आप गाड़ी चला रहे हो, मान लीजिए लोकल में क्या होता है, लोकल में गैस क्या होता है कि जो गलियां होती हैं, जो रोडे होती हैं, उनसे डायरेक्ट सामने से प्रेशर से हवा आती रहती है, तो ज्यादा आपको वहां पे एक कंडीशन जरूर याद रखनी है कि उस कंडीशन में आपको जब सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो आप आराम से एक चीज का ध्यान रखें कि आप उस समय गाड़ी ना चलाएं, आप कहीं पे लेके जैसे लेफ्ट साइड जगह आपको इस समय मिली और यहाँ पे आप गाड़ी लगा के चुपचाप इस तरीके से खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि गाइस हमें आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है और हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो उस कंडीशन में कहीं से कोई गाड़ी सामने से आ रही हो तो आपको भी आपकी आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी से टकरा जाए, तो उस कंडीशन में ये होता है ना कि इसकी ना तो लाइट काम करती है ना तो डिफर काम करते हैं, केवल आपको ये लगता है कि कोई सामने से आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा एहसास नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप गाड़ी ना चलाएं, आप लेफ्ट साइड गाड़ी को दबा के चुपचाप खड़ी कर लें। हल्की फुल्की गाइस हवा चल रही है, आपको दिख रहा प्रॉपर, तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चला सकते हो, बट कंडीशन ऐसी आ जाए, सिचुएशन ऐसी आ जाए, सपोज कर लीजिए कि आपको आगे एकदम दिख ही ना रहो, तो आप 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर हवा चले या तूफान आंधी आती है उस कंडीशन में आप लेफ्ट साइड गाड़ी लगा के खड़े हो जाए, आपको उस सिचुएशन में गाड़ी को ड्राइव नहीं करना है क्योंकि वहां पे आप अनसेफ हो, मतलब आप वहां पे सेफ नहीं हो, आप गाड़ी लेफ्ट साइड खड़ी कर लें चुपचाप, आप आराम से सेफ हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को चुपचाप खड़ी कर लें। अब ये तो रही बात, मान लीजिए कि लोकल में आप कहीं सिटी वगैरह में गाड़ी चला रहे हैं या सिंगल रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस तरीके के सिचुएशन से सॉल्व अपनी सिचुएशन कर सकते हो, बट हाईवे वगैरह पे क्या होगा, कैसे गाड़ी चलानी है, मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आंधी तूफान वगैरह बहुत ज्यादा तेज से आ गए, तो उस कंडीशन में गाइस आप क्या करोगे? देखिए गाइस, मेरे हिसाब से जो मुझे मालूम है मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको राइट साइड वाली पट्टी पे गाड़ी नहीं चलानी। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि गाइस क्या होता है उस कंडीशन में आपको सामने नहीं दिखाई पड़ता है और आप बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लड़ने के या टच होने के चांस रहते हैं जिसके कारण आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं रिप्लाई दूंगा आपको कई दो तीन टिप ऐसी कि जो आपको आराम से अपनी गाड़ी को मैनेज करना है। पहली चीज गाइस क्या है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड गाड़ी को चलाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी लेफ्ट साइड गाड़ी को कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड चलाएं, इस कंडीशन में इससे क्या होगा गाइस कि आपकी जो राइट वाली साइड है वो खाली रहेगी और आप मान लीजिए राइट लेफ्ट साइड चला रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड दबने, अचानक सामने आपके गाड़ी मान लीजिए कोई
आ भी गई या खड़ी है तो आप लेफ्ट साइड दबा सकते हो गाड़ी को, ठीक है। आप राइट साइड चलाओगे तो राइट साइड नहीं दबा सकते हो। तो पहली चीज यह हो गई है कि जब भी इस कंडीशन में गाड़ी चलाएं तो आपको लेफ्ट साइड वाली पट्टी पे चलाना है, एकदम क्लियर बात है, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज गाइस क्या होती है, जब भी ये कंडीशन आपके सामने आ जाए कि बहुत तेज से हवा चल रही है या तूफान चल रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, आपकी गाड़ी इस तरीके से थोड़ा सा हिलती हुलती है, जिससे कि गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। वहां पे आपको क्या करना है कि आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलानी है, जैसे कि मान लीजिए कि 40-45 जितनी आपकी सामने रोड, मान लीजिए सामने जितना आप जज कर पा रहे हो उस हिसाब से आपको गाड़ी भगानी नहीं है या चलानी नहीं है, आपको प्रॉपर एक लिमिट में चलानी है कि आपको सामने से प्रॉपर दिख रहा हो उतनी स्पीड आप गाड़ी चलाएं, ज्यादा गाड़ी ना भगाएं। उस कंडीशन में आपकी गाड़ी क्या होती है कि ज्यादा लहराती है, गाड़ी पलटने के चांस रहते हैं, तो आपको नॉर्मल स्पीड चलानी है इस तरीके से। दूसरी जानकारी गाइस ये है कि आपको नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलानी है, ज्यादा स्पीड में गाड़ी भगानी नहीं है जब भी इस कंडीशन में आपके सामने कोई कंडीशन आती है तब। तीसरी जानकारी गाइस क्या होगी, जैसे कि गाइस मान लीजिए कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और चलाते 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 मान लीजिए कि आपके सामने ये कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन में गाइस आपको क्या करना है, प्रॉपर पहली चीज तो आपको लेफ्ट साइड ही गाड़ी रखनी है पट्टी पे, ठीक है। और उसके बाद गाइस क्या करना है कि अपनी गाड़ी के इंडिकेटर ऑन कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी का इंडिकेटर ऑन कर दिया। इससे गाइस क्या होगा कि पीछे वाला जो व्यक्ति है वो स्पीड में भी आ रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ कोई सामने गाड़ी जा रही है, तो वो आराम से जज कर लेगा और अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा, अपनी गाड़ी को आपकी गाड़ी से बचा लेगा और आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी ना तो उसको होगी। तो ये जो आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में गाड़ी को एकदम ऑन कर देना है। आपको मैंने इस तरीके से तीनों जानकारी दी है, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा गाइस। कभी कभी गाइस क्या होता है कि हम लोग छोटी सी गलती करते हैं और उसका बहुत ज्यादा हमें नुकसान भुगतना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से छोटी छोटी जानकारियां रखा करें, जिससे कि हम लोग आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों को ये जानकारियां हम इसलिए देते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, हम सब लोग सुरक्षित रहें और आराम से गाड़ी को चलाएं, नियमों का पालन करें। कभी कभी गाइस क्या होता है, ये चीजें बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, वो अपनी गाड़ी को चलाते हैं और उस कंडीशन में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। या कभी कभी ये भी हो जाता है कि गाइस गाड़ी ज्यादा डैमेज हो जाती है या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। सो गाइस आज आपको मैंने तीन तरीके बताए, जब भी आपको इस सिचुएशन में गाड़ी चलानी हो या मान लीजिए कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आपको आराम से गाइस इस तरीके से मैनेज करना है, तो आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है, आपको आराम से गाड़ी का अपना मैनेज करना है और अपने आप को मेंटेन करके अपनी गाड़ी को चलाना है। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आपको किसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक लोग के पास जय हिंद।